तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फोर्थ और लास्ट T20 के बारे में, तो जिसमें कि इंडिया ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को 135 रनों से हरा दिया। अगर इस मैच की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे ना भाई, इंडिया ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर 283 रन बनाए, तो आप लोग देखोगे ना मतलब कि यहाँ पर जो संजू सैमसन है ना वो यहाँ पर नॉट आउट यहाँ पर 109 रन बनाते हैं, और यहाँ पर जो तिलक वर्मा है ना वो यहाँ पर मतलब कि 120 रन बनाते हैं, अभिषेक शर्मा है ना वो यहाँ पर 36 रन बनाते हैं। मतलब कि भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, संजू सैमसन आप सभी लोगों को पता होगा भाई, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर पहले मैच में शतक लगाया था और यहाँ पर लास्ट मैच में भी शतक लगा दिया, और यहाँ पर देखो ना मतलब कि दो मैचों में यहाँ पर भाई डक पर गए थे, मतलब जीरो पर गए थे, और यहाँ पर तिलक वर्मा ने यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर दो शतक लगा दिए। आप लोग देख सकते हो भाई अच्छी खासी इन्होंने बैटिंग की है। तो और इसके बाद जब साउथ अफ्रीका यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आती ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 148 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ट्रिस्टन स्टेप्स है ना वो यहाँ पर 43 रन बनाते हैं, डेविड मिलर यहाँ पर मतलब कि 36 रन बनाते हैं, और यहाँ पर मार्को जॉनसन है ना वो यहाँ पर भाई 12 बॉलों पर भाई 29 रन बनाते हैं। मतलब जो यहाँ पर मार्को जॉनसन है ना, उन्होंने यहाँ पर मतलब आप लोग देखो ना, वैसे तो वो यहाँ पर बॉलर है यहाँ पर, लेकिन आप लोग देखोगे ना भाई वो यहाँ पर अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी बैटिंग की थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इंडिया ने यहाँ पर इस सीरीज को यहाँ पर 3-1 से जीत लिया है। तीन मैच तो यहाँ पर इंडिया ने जीत लिए थे पहला, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ मैच इंडिया ने जीता था, और यहाँ पर जो सेकंड मैच था ना उसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 3 विकेट से जीत लिया था, और इस सीरीज को फाइनली यहाँ पर इंडिया ने 3-1 से जीत लिया है। और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्रिकेट जोन को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।